यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतापगढ़ के डीएम आवास पर धरना देने वाले एसडीएम पर एक्शन लिया गया है। सीएम के निर्देश पर एसडीएम को सस्पेंड किया गया है और सस्पेंशन के टाइम में एसडीएम विनीत उपाध्याय को राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच प्रयागराज मंडल के कमिश्नर को दी गई। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एसडीएम विनीत उपाध्याय ने प्रतापगढ़ डीएम के आवास पर करीब 4 घंटे तक धरना दिया था। पहले धरना दिया, धरने के बाद उन पर एक्शन हो गया है, उनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, अटैच कर दिया गया उनको दूसरे विभाग से। और दूसरी तरफ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उन आरोपों की जांच भी शुरू कर दी गई है। डीएम आवास पर चूंकि धरना दिया था और मामले ने खूब तोल भी पकड़ा, हालांकि दूसरी तरफ एसडीएम पर लिए गए एक्शन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि एसडीएम ने अगर शिकायत की तो उनकी तो जांच होनी चाहिए, उनको क्यों सस्पेंड किया गया। प्रतापगढ़ के डीएम के आवास पर बने दफ्तर में धरना दे रहे ये हैं एसडीएम विनीत उपाध्याय। अब तक जो अफसर धरना प्रदर्शन करने वालों को नियंत्रित करने का काम करता था, जब वही धरने पर बैठ जाए तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने लाजमी थे। खबर मीडिया तक नहीं पहुंचे इसके सारे इंतजाम कर लिए गए। डीएम निवास के बाहर बड़ी तादाद में आला अफसर और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। एसडीएम का कहना है कि लालगंज इलाके में स्कूल के पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है और इस खेल में डीएम, एडीएम और जिले के दूसरे आला अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि जिला प्रशासन मामला कुछ और ही बता रहा है। प्रतापगढ़ के एसडीएम के मुताबिक लालगंज में तैनाती के दौरान एडीएम विनीत का वकीलों से झगड़ा हो गया था और उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर उन्हें धमकाने का प्रयास किया था। इसी मामले की जांच में एसडीएम को नोटिस भेजा गया था जिससे वो नाराज हो गए। प्रतापगढ़ के डीएम आवास पर धरना देने वाले एसडीएम पर एक्शन लिया गया है। सीएम के निर्देश पर एसडीएम को सस्पेंड किया गया है और सस्पेंशन के टाइम में एसडीएम विनीत उपाध्याय को राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच प्रयागराज मंडल के कमिश्नर को दी गई। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एसडीएम विनीत उपाध्याय ने प्रतापगढ़ डीएम के आवास पर करीब 4 घंटे तक धरना दिया था। पहले धरना दिया, धरने के बाद उन पर एक्शन हो गया है, उनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, अटैच कर दिया गया उनको दूसरे विभाग से। और दूसरी तरफ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उन आरोपों की जांच भी शुरू कर दी गई है। डीएम आवास पर चूंकि धरना दिया था और मामले ने खूब तोल भी पकड़ा, हालांकि दूसरी तरफ एसडीएम पर लिए गए एक्शन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि एसडीएम ने अगर शिकायत की तो उनकी तो जांच होनी चाहिए, उनको क्यों सस्पेंड किया गया। प्रतापगढ़ के डीएम के आवास पर बने दफ्तर में धरना दे रहे ये हैं एसडीएम विनीत उपाध्याय। अब तक जो अफसर धरना प्रदर्शन करने वालों को नियंत्रित करने का काम करता था, जब वही धरने पर बैठ जाए तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने लाजमी थे। खबर मीडिया तक नहीं पहुंचे इसके सारे इंतजाम कर लिए गए। डीएम निवास के बाहर बड़ी तादाद में आला अफसर और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। एसडीएम का कहना है कि लालगंज इलाके में स्कूल के पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है और इस खेल में डीएम, एडीएम और जिले के दूसरे आला अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि जिला प्रशासन मामला कुछ और ही बता रहा है। प्रतापगढ़ के एसडीएम के मुताबिक लालगंज में तैनाती के दौरान एडीएम विनीत का वकीलों से झगड़ा हो गया था और उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर उन्हें धमकाने का प्रयास किया था। इसी मामले की जांच में एसडीएम को नोटिस भेजा गया था जिससे वो नाराज हो गए।